हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रदा, यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास सैमसंग का इन्वर्टर एसी है, ब्लू स्टार का इन्वर्टर एसी है और गोदरेज का इन्वर्टर एसी है और लॉयड या वोल्टास इन्वर्टर एसी है और यूरिका फोर्ब्स का इन्वर्टर एसी है और उसमें EC54 करके एरर शो हो रहा है, तो EC54 एरर किस चीज का है, इसकी मीनिंग क्या है और कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, कैसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज जैसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रदर रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे जितने भी कंपनी का नाम मैंने बताया, सैमसंग, ब्लू स्टार, गोदरेज, लॉयड, वोल्टास, उरिका फोर्ब्स का इन्वर्टर एसी है और उसमें EC54 करके एरर आ रहा है, तो एरर है गाइस आपका आउटडोर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट है। तो इसमें आपको देखना यह है कि अपने आउटडोर कवर को खोलिए एसी बंद करके और देखिए, हो सकता है चूहे ने वायर को ब्रेक कर दिया सेंसर वगैरह के, तो आप उसको चेंज कर रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद ये एरर हट जाएगा। अगर चूहे ने ब्रेक नहीं किया है तो आप इस सेंसर का पता कैसे लगा सकते हैं वो आपको मैं बताता हूं। ये कंप्रेसर जहां लगा रहता है उसके डिस्चार्ज पाइप में ये सेंसर लगा रहता है, तो आप इसको चेक कर लीजिए। और समझ में आपको नहीं आ रहा है तो इसमें जो है पीसीबी में आप देखेंगे टीपी करके इसमें लिखा रहता है, टीपी जहां सेंसर लगा हुआ वहां टीपी करके लिखा रहता है, आप उसको भी कनेक्टर को निकाल के आप फिर से लगाइए, तो लूज कनेक्शन की वजह से भी एरर आता है। अगर लूज कनेक्शन की वजह से अगर एरर आ रहा होगा तो ये हट जाएगा, और अगर लूज कनेक्शन नहीं है उसके बाद भी ये एरर आ रहा है तो आपको डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर चेंज करना पड़ेगा। डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर चेंज करने के बाद ये वाला जो एरर है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।